योगी सरकार की पहली सालगिरह पर बागी तेवर दिखाने वाले मंत्री ओपी राजभर को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई है। राजभर को मनाने के लिए योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना उनसे मिले, लेकिन राजभर ने साफ कह दिया कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के बाद ही वो राज्यसभा चुनाव में वोटिंग पर कोई फैसला लेंगे। राजभर ने बीजेपी पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाया, साथ ही ये भी कहा कि सरकार सिर्फ मंदिर मुद्दे पर फोकस कर रही है, जनता के कल्याण पर उसका ध्यान नहीं है। जी आप बिल्कुल बागी तेवर में हैं इस समय, आज सरकार का एक साल पूरा हो रहा है और आप राज्यसभा तक की बात कर रहे हैं। वोट हम हमारे कहने पे दिया है, उनकी मंशा है कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, हमको आवास नहीं मिला है जो पात्र हैं, शौचालय नहीं मिला है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बेहतर प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, वहाँ हमको बेहतर शिक्षा दिलाओ, हमको अस्पतालों में दवाई मिले, इस बात की हमने उनको गारंटी दिया कि हम चल रहे हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आप हमारे कहने पर एक बार मौका दो। उन्होंने गठबंधन को वोट दिया। सर एक चीज बताइए, अब तो सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं, आज सरकार बकायदा एक साल का अपना जश्न भी मना रही है, आप उससे दूर हैं? देखिए जश्न उनके लिए है, अब उनके दिमाग में अयोध्या काशी मथुरा दिख रहा है, हमारे दिमाग में राशन कार्ड आवास शौचालय पेंशन शिक्षा दवाई दिख रहा है, तो दोनों में अंतर दिख रहा है ना। लेकिन इस सरकार के सामने अभी तो एक बड़ी चुनौती फिर से राज्यसभा का चुनाव आने वाला है, क्या है आपका स्टैंड? राज्यसभा के चुनाव में, निकाय चुनाव में हमसे पूछा नहीं, अकेले हम लड़े, उपचुनाव लोकसभा के हुए, हम लोगों से कोई मतलब नहीं, अभी राज्यसभा के चुनाव में नामांकन हुए, गठबंधन धर्म है, वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई का कर्तव्य है कि छोटे भाई को लेकर के भाई नामांकन हो रहा है आप आओ चलो। ये बताइए राज्यसभा में आपका क्या स्टैंड हो? अभी जब तक अमित शाह जी से वार्ता नहीं हो जाती है तब तक मेरा कोई स्टैंड नहीं है, नहीं वार्ता होगी मैं बहिष्कार करूंगा, नहीं वोट देने जाऊंगा, हमारे चारों विधायक यहीं रहेंगे, नहीं वोट देंगे। यानी कि योगी जी के कहने का या कोई मतलब नहीं है, हम सरकार से नाराज नहीं है, हम माननीय अमित शाह जी से हमारी वार्ता हुई है, गठबंधन अमित शाह जी की बदौलत हुआ है, आखिर में क्या वजह है, वो क्यों नहीं बात करते हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन फौरन लौटेंगे, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।